कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा अलीगढ़ पहुंच चुकी है। यात्रा में प्रियंका गांधी भी राहुल गांधी के साथ मौजूद हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता, पदाधिकारी और समर्थक यात्रा का स्वागत करने के लिए सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। आज सपा मुखिया अखिलेश यादव भी आगरा में भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होंगे। यही वजह है कि कांग्रेस के साथ साथ सपा समर्थक भी यात्रा का स्वागत करने के लिए तैयार है। समर्थकों में भारी जोश दिखाई दे रहा है तो वहीं कार्यकर्ताओं में भी उत्साह नजर आ रहा है, जो उन्होंने मीडिया के सामने बयां भी किया। आप भी सुनिए। आदरणीय राहुल गांधी जी, जब से मणिपुर से चले हैं मुंबई तक की यात्रा में, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में, उत्तर प्रदेश का चाहे चंदौली हो, बनारस हो, प्रयागराज हो, प्रतापगढ़ हो, अभी हमारा मुरादाबाद हो, अमेठी हो और आज अलीगढ़, हर जगह जन सैलाब है। हर जगह जोरों शोर से और पुरतपा का इस्तकबाल कर रहे हैं। अलीगढ़ की सरजमीन सर सईद की सरजमीन है और लोग यहाँ पे, आम आवाम, गरीब, किसान, मजदूर, किसानों की सरजमीन है, सभी लोग यहाँ पे उमड़ पड़े हैं राहुल जी के इस यात्रा को सम्मान देने के लिए, साथ चलने के लिए। आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी भी साथ में हैं और समाजवादी पार्टी हमारे इंडिया अलायंस का हिस्सा है, तो जाहिर सी बात है वो लोग भी हैं। लेकिन इस यात्रा को सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो गरीब, किसान, मजदूर, आम आवाम जिस न्याय की बात कह रहे हैं, वो न्याय मांगने वाले जो न्याय के लिए तरस रहे हैं, वो लोग सड़क पे हैं और वो राहुल जी के साथ ताकत देने का काम कर रहे हैं, उनके साथ चलने का काम कर रहे हैं, साथ दिखाई दे रहे हैं, गठबंधन ग्राउंड तक पहुंच रहा है जी। आपको लग नहीं रहा है, आप ये सपा और कांग्रेस के लोग तो दिख रहे हैं ना, आम जनमानस सड़क पे खड़ा है, जिसका किसी पार्टी से लेना देना नहीं, वो भी इस गठबंधन के साथ खड़ा है और उस सड़कों पे आके खड़ा है, जिसे हमने बुलाया नहीं, जिसको हमने बताया नहीं, वो सब सड़क पे खड़े हैं। इसका मतलब है कि एक उत्साह है जनता में और उत्तर प्रदेश में इस बार वो होने जा रहा है जो आप कल्पना नहीं किए होंगे कभी, आप वो दिखाई पड़ रहा है इन सड़कों पे अलीगढ़ के। आपकी सीट जहाँ से आप आते हैं महाराजगंज, तो कांग्रेस के खाते में गई है जी, वो तो वहाँ पर पिछली बार नहीं, आपके आपके हाथ तक पाई थी, इस बार उम्मीद माने आप। अरे हम तो विधायक जीत के आए, आप देखे ही हो महाराजगंज में, और आपको लगता नहीं है हम योगी के गढ़ में कांग्रेस का झंडा बुलंद कर रहे हैं और महाराजगंज का सांसद भी कांग्रेस का होगा, ये आप मान लीजिए। सर आखिरी सवाल इस बात का है, आपकी पार्टी कह रही है कि जो उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती का पेपर था वो रद्द कर दिया गया, ये एक बड़ी जीत राहुल गांधी और भारत जोड़ो न्याय यात्रा की है, कैसे देखें? ये सच है, ये न्याय यात्रा की जीत है, क्योंकि ये न्याय हुआ है। जिस तरह से अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी और पिछले 6 महीने से लड़के तैयारी कर रहे थे, अपने माँ बाप का इस महंगाई में 1.5 से 2 लाख रुपए उन्होंने ट्यूशन पढ़ के खर्च किया था, अपने शरीर को तैयार किया था और वो लगातार उम्मीद में थे कि हमें रोजगार मिलेगा, लेकिन हुआ क्या, पेपर लीक हो गया, उनके साथ अन्याय हुआ, तो अन्याय के खिलाफ न्याय की जीत हुई। हम भी उस आंदोलन में गए थे, आपने देखा होगा उस दिन हम लोग इको गार्डन में उन लड़कों के साथ खड़े थे जिस दिन आंदोलन चल रहा था, और हमें जीत हुई है, हमारे नेता की जीत है और उन सभी अभ्यर्थियों की जीत है जिनके साथ अन्याय हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। फिलहाल इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। भारत जोड़ो न्याय यात्रा से जुड़ी तमाम लेटेस्ट अपडेट्स और देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।